हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 11 फरवरी 2022 जो एनुअल शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं, बच्चे बाहर आ रहे हैं, उनका लाइव व्यू लेते हैं किस प्रकार से एग्जाम पूछा गया। भाई पेपर था आपका, पेपर था, कितना स्कोर किया आपने? कितना? 75। अच्छे नंबर है, एक मिनट दे रहा, इसको वायर को साथ में ले लो आप। क्या नाम शुभ नाम आपका? प्रवीण सिंह। कहाँ से आए आप? सेमली आदरी माता नीमच। नीमच जिले से होना, आप बता सकते हो मैथ्स जीके जीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे? जीके तो आउट ऑफ था ही सही। हाँ। और मैथ्स में मिश्रण से नहीं थे। अच्छा, मिश्रण से। और हाँ, उसके बाद कल अपने क्या बोलते सरलीकरण से थे। अच्छा, सरलीकरण से। और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन कितने बने? संख्या पद्धति से नहीं थे, वो दो क्वेश्चन थे शायद। अच्छा, दो क्वेश्चन थे। हाँ भैया, कितना स्कोर किया आपने? एक मिनट रुको, हाल तो कहीं जा। हाँ यहीं रुको भाई, आराम से बेटा। भैया कितना स्कोर किया आपने? कितना किया? चलो आ जाओ असेंबली, इधर आना आप, आराम से पूछ लेते हैं। हाँ जी। और जीके में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे? जीके तो याद भी नहीं है मुझे, और थोड़ा आउट ऑफ भी था जीके। अच्छा, आउट ऑफ भी था। और रीजनिंग में किस प्रकार का क्वेश्चन मिला भाई? एक मिनट पूछ लेता हूं। भैया कितना स्कोर किया आपने? कितना स्कोर किया? 50। आपने कितना किया? मैंने आपने कितना स्कोर किया? 59। कौन सी कैटेगरी से आप? एससी से। आप बता सकते हो जीके में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए? जीके में मतलब आपका अभी करंट में जो चल रहा है ना उस हिसाब से पूछे गए। अच्छा, किस क्वेश्चन याद होगा? एक क्वेश्चन याद आपको याद है क्वेश्चन जीके में? जीके में नहीं याद है, एक भी क्वेश्चन याद नहीं है। सबसे सरल कौन सा क्वेश्चन लगा आपको याद है? नहीं, अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा है। 70 कितने? 75 है। अच्छे नंबर, ठीक है, थैंक यू। भैया कितना स्कोर किया आपने? भैया आपने कितना किया? नहीं दिया, और देख लेते हैं एक दो भैया और कितना। भैया पेपर था आपका, आपके एक मिनट आना, इधर आओ। आपने कितना स्कोर किया बहन? कितना स्कोर किया? वो एडमिट कार्ड भैया, टोपी वाला भैया, वो गिर गया आपका एडमिट कार्ड। कितने नंबर आया? 72। कौन सी कैटेगरी से आप? ओबीसी। कहाँ से आए हो? मंदसौर। बता सकते हो आप मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए? मैथ्स से पेपर सरल ही था, सरल था। कोई क्वेश्चन याद है आपको? नहीं याद है, ठीक है, थैंक यू। तो देखा जाए तो रनिंग पीरियड आपके कितने हैं? 75। अच्छा, 75 थे ना, तो एक मिनट जरा सामने आ जाना, अच्छे से रिव्यू दो यार। हाईएस्ट क्या बताया किसी? हाईएस्ट अभी तक 75 ही मिला मेरे को अभी तक का। 75। तो बता सकते हो मैथ्स में नंबर सिस्टम में कितने क्वेश्चन पूछे गए? नंबर सिस्टम से क्वेश्चन दो से तीन क्वेश्चन, दो से तीन क्वेश्चन। और एलसीएमएसएफ से आज क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, आज क्वेश्चन नहीं था। और सरलीकरण से थे 4-5 क्वेश्चन थे। अच्छा, सरलीकरण से 4-5 कुछ क्वेश्चन, दो से क्वेश्चन मिस्टेक थे, आंसर नहीं मैच हो रहे थे। और इससे कितने मैंने औसत से? औसत से एक आध क्वेश्चन ही था। प्रतिशत से? प्रतिशत से भी दो क्वेश्चन समथिंग थे, एक दो क्वेश्चन। मिश्रण से? एक क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन। और वो 22,000 वाला, 22,000 आपका पेपर था? पेपर था मैम। कितना स्कोर किया आपने? 50। कौन सी कैटेगरी से आप? ओबीसी से। आप बता सकते हो जीके में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए? आपने कितना स्कोर किया मैम? उनका नहीं। अच्छा, बता सकते हो जीके में कोई क्वेश्चन? मेरे को याद है, बाद में। हाँ अच्छा था पेपर, मॉडरेट था, कोई ज़्यादा लेवल भी नहीं था, मीडियम। अच्छा, और रीजनिंग। और इसमें सीआईएसएफ से कितने क्वेश्चन पूछे? सीआईएसएफ से क्वेश्चन थे ना, एक से दो क्वेश्चन थे। एक से दो क्वेश्चन जी जी। सीआईएसएफ में आज सीआई में एक था और एसआई में एक था। अच्छा, एसआई में। लाभानी से? लाभानी से नहीं था। और कार्य समय वगैरह से? हाँ, एक क्वेश्चन था वो बहुत टंकी, बहुत लेवल वाला, पाइप और टंकी से नहीं था। और नहीं था, तीन चार चार दे रहे। अब एडवांस में इसमें आप बता दो किसी प्रकार। एडवांस में एक शंकु से था, शंकु का क्षेत्रफल, और एक समांतर चतुर्भुज का पूछा था। समांतर चतुर्भुज, और एक वो था वर्ग का 50% एरिया, 50% एरिया बढ़ाएंगे तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, एक क्वेश्चन ये था। अच्छा, उसका प्लस आर स्क्वायर बटा 100। हाँ हाँ हाँ, वही। और बस यही था लगभग। अच्छा, ये था। और इसमें प्रायिकता वगैरह से कोई क्वेश्चन बना? प्रायिकता से तीन से चार क्वेश्चन, चार क्वेश्चन बने जी। दो तो 25 वाले थे। पेपर था मैम? मैम मैम पेपर था। कितना स्कोर किया आपने? और बता सकते हो? हाँ, उसमें था, आप बता रहे प्रोबेबिलिटी पाइक था, मैं तीन क्वेश्चन थे, दो पास वाले थे और एक। आप रीजनिंग बात करते हैं, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन पूछे गए? कोडिंग डिकोडिंग से थे तीन चार क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी से? एनालॉजी से एक दो क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन से? क्लासिफिकेशन से भी थे एक दो क्वेश्चन। सिलोजिस में से क्वेश्चन बना? हाँ। ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन था। सीटिंग अरेंजमेंट एक से दो क्वेश्चन थे। रैंकिंग? रैंकिंग में हाँ दो क्वेश्चन इसमें भी थे। कोई क्वेश्चन पूछा गया पजल से? पजल से था। ये पर ये था कथन निष्कर्ष और पुरधारणा। अच्छा, पुरधारणा। हाँ, वो वाले थे पुरधारणा में। वाटर इमेज मिरर इमेज? हाँ, वाटर इमेज मिरर इमेज। आपके कितने नंबर? 69। हाँ, और वाटर इमेज नहीं थी, मिरर इमेज जरूर। अच्छा, मिरर इमेज। और
और एक था कि वो पासे पूरा डाइस था, उसके फलक में कौन सा पीछे होगा, ऐसे दो से तीन क्वेश्चन थे, दो से तीन क्वेश्चन पूछे। हाँ, उनमें वो बनाना था कि उनको डाइस को खुला हुआ छोड़ दिया था उन्होंने, उन्होंने कहा कि उसको अगर बनाएंगे डाइस बनेगा तो इसके पीछे क्या मतलब कैसे बनेगा ये, वैसे दो से तीन क्वेश्चन वैसे थे। और वो आकृति वाले आए थे दो से तीन क्वेश्चन, आकृति वाले भी आज अच्छे खासे पूछ रहे थे जी। बस लग रहा है जीके में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, साइंस में, साइंस बता दो अभी। साइंस तो बिल्कुल कुछ भैया साइंस में नॉर्मली थी, साइंस तो मतलब वो अर्थोपोडा वगैरह इनसे कोई इन इस टाइप से क्वेश्चन आए थे, मतलब पादप से क्वेश्चन आए थे, मतलब पादप से आए। स्केलेटन से वो क्वेश्चन पूछेगा, स्केलेटन राजस्थान से था, कौन सा राजस्थान का कौन सा मंदिर पूछा था, आमेर का मंदिर के यहाँ पे है, आमेर का किला पूछा गया राजस्थान का, और जयपुर में कौन सा किला, जयपुर में कौन सा किला, मंदिर कितने हैं, सत्तर नंबर। और क्वेश्चन याद आ रहा आपको, पासे से आए थे कुछ पासे पलटे हैं और तो कुछ आ रहा है, रनिंग फिटनेस क्लब नहीं, जीके में कुछ कुछ याद नहीं है सर, मैथ में एडवांस मैथ से सर ज्यादा कुछ भी नहीं था, मतलब एक शंकु से क्वेश्चन था, अच्छा शंकु से, और एक वृत्त से था, वर्ग से था सॉरी, अच्छा। बाकी तो नॉर्मली था, मैथ इतनी कैलकुलेटिव नहीं थी और जीके भी आसानी था, पता नहीं चल रहा कौन सा सही ऑप्शन मिल नहीं रहे थे। रनिंग फिटनेस क्लब नहीं मच, आपके कितने आए भैया, नहीं था, तो देखा जाए तो आज का पेपर भी अच्छा था और बच्चों ने अच्छे नंबर लेके आए, कोई 75 हाईएस्ट मिला मेरे को अभी तक, दो लड़के और एक 72 मिला है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैंने नई बैच स्टार्ट कर दी है, 14 फरवरी से नई बैच स्टार्ट होगी और जितने बच्चे हो मैंने वीडियो बना रखा हो उतने नंबर वाले बच्चे फिजिकली तैयारी कर सकते हैं, और मैंने सब बच्चों के कहने पर फीस को कम कर दिया है, जो 2016 वाली फीस थी 3000 रुपये लड़कियों के लिए और 4000 लड़कों के लिए फीस रख दी है मैंने। पेपर था भैया आप दोनों का, नहीं था भैया पीछे, नहीं था, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।